नाम हर्षवर्धन है, मैं आई टीच अहिल्या देवी होलकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 15 है। मैं COVID-19 से रिकवर्ड पेशेंट हूँ। मैं ओल्ड वाड़ावाड़ी नियर पांडव नगर पुलिस चौकी के पास रहता हूँ। जब हमारे पास पहला पेशेंट पाया गया COVID-19 का, तब हम बहुत ज्यादा डर गए थे और हमारा घर से निकल ही नहीं रहे थे कि घर से निकलना ही नहीं है कि कोरोना वायरस हमको भी हो। हमने प्रिकॉशंस लेना चालू कर दिया, जैसे कोई भी घर के बाहर जाएगा तो मास्क और सैनिटाइजर हमेशा उसके पास रहेगा, और जब भी घर का आएगा पहले वो नहा के अंदर आएगा फिर वो घर के अंदर आएगा। पर हमने एक प्रिकॉशन ले लिया कि जो हमारे घर के बाजू में जो ओल्ड वुमेन रहती थी वो एक शहर से आ रही थी काम करके, और उनको हमने आने दिया, और उनको पहले से थोड़ा बुखार था तो हमने उनकी टेस्टिंग नहीं करवाई थी। जब तीन चार दिन बाद उनके बच्चों ने उनकी टेस्टिंग करवाई, जब बुखार बहुत बढ़ गया तब उनका COVID-19 पॉजिटिव आया था। तो हम डर गए, उनके साथ कांटेक्ट में थे तो हमें भी COVID-19 हो सकता है, इसलिए घर के बाहर ही नहीं निकले हम। तो हम दो तीन दिन के बाद मुझे भी फीवर और खांसी आने लगी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम भी टेस्टिंग करवाएंगे COVID-19 या नॉर्मल कोरोना वायरस का। फिर मेरे मामा तो गवर्नमेंट के साइड से COVID-19 के जो पेशेंट थे उनको संभाल रहे थे, तो उन्होंने हमको उन्होंने हमको लेके गए और उन्होंने टेस्टिंग करवाई हमारी। मैं टेस्टिंग के दिन बहुत डर गया था कि टेस्टिंग कैसी होगी और टेस्टिंग कैसी होगी, इंजेक्शन वगैरह कुछ ऐसा होगा क्या। पर नहीं, उधर जाने के बाद पता चला कि वो बस कॉटन का स्टिक मुंह में डालते थे और निकाल के सलाइवे का एक पैकेट अंदर लेते थे। तो तब बाद फिर मेरा डर पूरा चला गया। कुछ 3 दिन बाद एग्जैक्टली हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद अब मैं COVID-19 कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। तो मुझे ले जाया गया एक हॉस्टल में, सियागढ़ कॉलेज है उसका नाम। और उस हॉस्टल में जब मैं गया तो उधर का माहौल पूरा ऐसे फ्रेंडली था कि लोग आ रहे थे ऐसे जा रहे थे कि पूरा फ्रेंडली था। मेरे जो रूममेट्स थे वो भी फ्रेंडली थे बहुत, और हमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखने बोला था कि अगर हम रूम में भी हो एक तो भी डिस्टेंस रखना है। मैं हम रूम में 4 जन रहते, हर एक बंदा एक एक कोने में रहेगा, मतलब एक जो बेड थी हर एक कोने में थी, और हम सब के लिए एक बाथरूम और एक ये टॉयलेट भी था रूम के अंदर फैसिलिटी। और मेरी पूरी टोटल मुझे 13 दिन लगे रिकवर होने के लिए। रिकवर होने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था कि घर को जाऊंगा। मैं उधर पूरा फ्रेंडली नेचर था तो ज्यादा कुछ नहीं लगा मुझे जर्नी। जैसे कि सुबह उठना था, सुबह उठकर मैं चाय पी लेते था, वहां पे चाय देते थे वो सब लोग को, और चाय के बाद नाश्ता भी दे देते थे, और 12 या 12:30 बजे वो खाना भी दे देते प्लास्टिक के पैक। फिर खाना खाने के बाद दवाइयां भी लेनी पड़ती थी, दवाइयां लेने के बाद शाम को चाय फिर से आ जाती थी। शाम को चाय आने के बाद फिर से आपको खाना खा के दवाइयां लेके सो जाना था। मैं जब घर को आया तो आ रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे कि घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना अगले 14 डेज तक, और कुछ मेडिसिन भी दिए, और ये भी कहा कि मेरा इम्यून सिस्टम अब वीक हो चुका है कोरोना वायरस के वजह से, तो मुझे और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा मेरी इम्यून सिस्टम। और मैं इम्यून सिस्टम आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, दूध पीना है, हरी सब्जियां खानी है, और आपको जंक फूड नहीं खाना है, बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है, और फल खाना है रोज। और कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि किस अमीरों को होगा या गरीबों को होगा, वो सबको होगा, ना अमीर ना गरीब, ना ऊंचा ना नीचे देखेगा, वो सबको हो सकता है। तो प्रिकॉशंस ले
और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर आपको कोरोना वायरस हो भी गया है तो डरिए मत, बहुत ईजी है कोरोना वायरस की जर्नी, हम सब साथ थे कोरोना वायरस के जंग में।